दोस्तों संजू सैमसन से रिलेटेड अपडेट निकल कर आ रही है। टीम इंडिया ने संजू सैमसन को एशिया कप के स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया था। उसी के साथ साथ संजू सैमसन को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया गया है। उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 ODI सीरीज टीम इंडिया की होने जा रही है। आज पहला ODI मुकाबला मोहाली के ग्राउंड में खेला जाएगा। उसी के साथ साथ इस स्क्वाड में ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को भी शामिल किया गया है, लेकिन संजू सैमसन को इस स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। संजू सैमसन इस बात से नाराज हो गए हैं और संजू सैमसन के फैंस और क्रिकेट के दिग्गज भी इस बात से नाराज हो गए हैं। इरफान पठान, आकाश चोपड़ा, हरभजन सिंह ने ट्वीट करते हुए संजू सैमसन का सपोर्ट किया। उसी के साथ साथ BCCI संजू सैमसन को लगातार कोई भी सीरीज में सपोर्ट नहीं कर रही है और संजू सैमसन को कोई भी सीरीज में स्क्वाड में शामिल नहीं कर रही है। एशिया कप में 2 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले के बाद संजू सैमसन को इंडिया वापस भेज दिया गया। आपको बता दें, एशिया कप में संजू सैमसन को रिजर्व प्लेयर के रूप में शामिल किया गया था। 2 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले के बाद संजू सैमसन को घर वापस भेज दिया गया। कभी संजू सैमसन को टीम में शामिल किया जाता है तो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाता है और कभी कभी तो स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया जाता है। संजू सैमसन के साथ ये गलत हो रहा है। संजू सैमसन का सूर्य कुमार यादव से अच्छा औसत है ODI क्रिकेट में। संजू सैमसन ने IPL में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसी के साथ साथ संजू सैमसन को जब भी मौका मिलता है संजू सैमसन अच्छा ही परफॉर्मेंस करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, संजू सैमसन को राजनीति के कारण टीम इंडिया में शामिल नहीं किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए वर्ल्ड कप से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।